दिखाई दे रहा यह वही झरना है जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि यह झरना फरीदाबाद की अरावली की गोद में बसे गांव मोहब्बताबाद में स्थित एक प्राचीन मंदिर में गिर रहा है, जहां लोग इस झरने को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं और यहां आकर झरने के नीचे नहाकर मौज मस्ती भी कर रहे हैं। यह झरना यह मंदिर लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों ने इस मंदिर और इस झरने के बारे में बताते हुए कहा कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और तभी से यह झरना बह रहा है, लेकिन ग्रामीण लक्ष्मी चंद ने बताया कि पहले यह झरना 12 महीने गिरता था, लेकिन अरावली में हुए अवैध खनन और कम हो रही बरसात के चलते यह झरना अब केवल बरसाती मौसम में ही बहता है। वहीं उनके मुताबिक यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, यहाँ श्रवण कुमार भी आकर रुके थे और महाभारत काल में पांडव भी आए थे, जिनके तप से यहाँ यह झरना बहने लगा था और यहाँ उन्हीं के द्वारा 7 कुंड बनाए गए थे। फिलहाल काफ़ी गहरे होने के चलते उन सभी कुंडों को बंद कर दिया गया है और एक कृत्रिम कुंड बनाया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है ग्रामीणों और यहाँ के पुजारी का। नहीं, ये तो आदिकाल से इससे ज्यादा पानी पहले बहता था महाराज। ये तो झरना ही है, ऋषिम की जगह है, तपोस्थल है, ये कोई पर्यटक स्थल थोड़ी है। ये तो कंटिन्यू झरना तो झरता ही है। ऐसा गर्मी में थोड़ा जैसा बारिश कम हो रही है, 10 साल में बारिश अब फालतू हुई है, बारिश नहीं हो रही तो झरना कम था, नीचे बह रहा था। बाकी कुंड तो हम कोरोना के चक्कर में ये पानी वाणी आते प्रशासन ने ना खत्म करवा दिया था कि लोग इकट्ठे ना हों। यहाँ हम यही साथ में फरीदाबाद में रहते हैं और यहाँ जो है ये प्राचीन आदिकाल की जो है ना उद्यालक मुनि जी की तपोभूमि है। वेद व्यास जी इससे बिल्कुल साथ में जो है ना प्रसन्न मंदिर है और समकालीन ऋषि जो है ना हुए हैं वेद व्यास जी, और वो उनकी तपोभूमि है। यहाँ से और वहाँ तक सुरंग होती थी, सुरंग से ही जो सुबह पूरा जंगल था तो सुरंग से ही जो ना आपस में संत जो ना आवागमन करते थे। मैं ये मोहताबाद झरने में आया हूँ मौसम देखने, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि मंसूरी और ऋषिकेश जैसा आनंद है? हाँ, यहाँ पर दृश्य बिल्कुल हिल स्टेशन का आनंद है, व्यू बहुत अच्छा है। ये एक तपोभूमि है, यहाँ पर उद्दालक मुनि ने 80,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो क्या मानते हैं कि ये क्या नाम है, आनंद भूमि होनी रहनी चाहिए, तपोवन भूमि रहनी चाहिए? नहीं, ये तपोभूमि ही माने आप इसे, और तप में ही आनंद है ना, आनंद भूमि तपोभूमि दोनों ही हैं।